प्रथम बार लालकुआ पहुंचे उत्तराखंड माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति का स्थानीय भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं पहनाकर भव्य स्वागत किया। यहां लालकुआ के स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंचे माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति का भाजपा ओबीसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बोर्ड के उपाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी योजनाओं में गरीबों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिनके प्रयासों से प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग दिया है ऐसे प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। उसके बाद हमारे त्रिवेंद्र रावत जी को बधाई जिन्होंने माटी कला बोर्ड दिया और माटी कला बोर्ड ही नहीं दिया, प्लास्टिक पर जो महामारी प्लास्टिक से हमारे समाज में फैली, कैंसर पीड़ित जो लोग हुए उनकी उसे थामने के लिए उसे रोकने के लिए माटी कला बोर्ड को बेहद प्रोत्साहन दिया उन्होंने। मेरे माननीय मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने सबसे पहले तो बिजली के चाक वितरण किया, अभी खादी ग्राम बोर्ड से होने वाले हैं। अभी उन्होंने जब मैंने समस्या रखी कि चाक वितरण में थोड़ा सा उससे भी बढ़ के उन्होंने जो मिट्टी गूंथने का काम है उसमें बहुत मुश्किल होती है, उन्होंने 200 मशीनें तुरंत उन्होंने करा। उसके बाद मिट्टी के लिए उन्होंने बोला कि मैं मशीन भी तभी दूंगा तो पहले मिट्टी का भी इंतजाम इनका होगा, उसी के बाद ही मिट्टी का काम होगा। और जैसे आपने बताई कि प्लास्टिक पर बैन, हमारे मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कुंभ मेले में प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन लगा दिया, यहाँ तक कि गंगा जलेबी प्लास्टिक की कैन में नहीं जाएगी, वो या तो कॉपर के बोतल में जाएगी या मिट्टी की बोतल का भी ऑर्डर दिया हुआ है। और पूरे क्षेत्र में मिट्टी के जो ऐसा पॉट कोई बना सकता है तो यहाँ वो मशीन के ही बनेगी पॉट, क्योंकि अगर वो वैसे बनाएंगे तो उसमें लीकेज होने का खतरा है, तो 1.5 करोड़ के करीब बोतलें भी यहाँ आएंगी। प्लास्टिक पर यहाँ तक ध्यान दिया कि गंगा जलेबी उसमें नहीं जाएगी। और कुंभ में करोड़ों करोड़ों लोग श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए कुल्हड़ का, जहाँ प्लास्टिक के गिलास में चाय पीते थे वहाँ कुल्हड़ और गिलास में चाय होगी। तो प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन के लिए हमारी सरकार तत्पर है, उसी के निमित्त माटी कला बोर्ड उन्होंने दिया। और माटी कला बोर्ड एक प्लास्टिक को ख़त्म करने के ही तरफ जा रहा है। और मैं कहूँ कुपोषण भी, मिट्टी के बर्तन अगर यूज करेंगे तो जहाँ सरकार करोड़ों करोड़ों रुपया कुपोषण पर खर्च कर रही है, मिट्टी के बर्तन से अगर यूज करोगे तो कुपोषण का भी ये एक रोकने का काम करेगी।